देश का बेरोजगार युवा गांव से शहर की ओर भाग रहा था, कोई कारखानों एवं फैक्ट्रियों में नौकरी के लिए, तो कोई सरकारी नौकरी के लिए, कोई फौजी बनने का सपना देख रहा था, तो कोई पुलिस बनने का सपना देख रहा था। सभी अपनी अपनी उम्मीदें लेकर चक्कर पे चक्कर काट रहे थे। इसी बीच अचानक एक खबर आई देश के बेरोजगार युवाओं के लिए, अब वो खबर अच्छी साबित हुई। देखिए आगे कहानी में क्या होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस में निकली 60,000 भर्ती। अरे वाह, हम मनमा सोचित रहे आसा हमार सिलेक्शन हो जाई। अब हम चढ़िए जमी के 1.5 महीना पढ़ाई करें। अरे दादा, नए जूता लेके आया है, 1,000 रुपए की नौकरी नहीं छोड़ी है। 5 साल बाद मौका मिला है यूपीपी केरा पुलिस की नौकरी तो लेके मनी है आज। अरे भाई चलो, ये कैंपस जूता लेके आने 1,000 के निकालो यार, जल्दी चलो पहनो। क्या देखो, दौड़ लगाओ, आज नौकरी लेनी है यूपीपी के लिए। जय हो। अरे वीर बाबा महाराज, अरे बड़ा बढ़िया सूचना मिली है। जय हो वीर बाबा महाराज, सूचना यह मिली है 60,000 नौकरी निकली है बाबा। अरे बाबा कुछ कृपा कर देती हो, बस एक नौकरी हम लिया है बाबा। वीर बाबा एक नौकरी जरूर दे दियो, 60,000 हम लिया का तो पक्के नहीं है, कहूँ ना कहूँ सी मिली भाई करी वीर बाबा आशीर्वाद। अरे बाबा 60,000 नौकरी है, अम्मा कहती है नौकरी कैसे नहीं मिली, नौकरी लेकर ही 60,000 ये कसम मिली भाई करी। अम्मा हमारी जली है कि भैया हमार नौकरी पाएगा, बड़ा खुश हो गया है। मेहरू जानी पाई तो भी के लड्डू खवाई। वाह भैया वाह, खूब पुलिस वाले बन के वर्दी पहन के चालान काटियो। वही तक का ना, जहाँ देखो 1,000 लियो, 500 लियो, वर्दी पहन के तैयार है चालान पुलिस वाले, तुम्हारा हम काटियो। जहाँ काटे तो बताए, बस तैयार हो आज 4 बजे रेस करे चाहिए है। नौकरी लड़के भी नहीं है, 60,000 निकली है। अरे हमका लागत है चोर जाए रहा है। अरे दौड़ो हो गांव वाले, चोर हो चोर। अरे भागो नहीं, मार तेरी ऐसा। अरे 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 कक्कू, हम कल्लू। अरे कल्लू, हाँ तो अति रात का करे जा रहा। अरे यूपीपी की भर्ती 60,000 निकली। उम्मा तो बताया कहे ना, तो बतावा का हुआ तुमसे, बताया कि रेस करे जाए जानवर। अरे कहा हम रेस बताओ, सब खड़ा भड़ा दिए। तो तू भागे कहा रहा, 60,000 भर्ती निकली, बिल्कुल भर्ती एक लेना है। तो हमें कह दे, हम हाँ तो अरे रख दिया खाऊगा कुछ जूता उता पहरे है। अब है तुम भर्ती के, हम पुलिस की भर्ती के बजाय अस्पताल में भर्ती करवा देते हो। काम आने गए कक्को यार। का हो चच्चा, का हो आए, तुम का नहीं पता, तुम का जानो 60,000 यूपीपी की भर्ती लग दिख रही है। ओमा हमका सिलेक्शन करना है, अभी दौड़ लगाओ जा रहे हैं। अच्छा 60,000 नौकरी निकली है, हमारा सिलेक्शन पक्का। लंबाई है चौड़ाई है देखत नहीं। अरे तुम यूपी की भर्ती देखियो, और का 1,000 की जूता, 5 साल बाद आई है। लंबाई देखो, अरे लंबाई ना तो का जेब सेम। यो यो तुम्हारे साथी चूहन की भर्ती ले लगे हैं, तो हम लोगन का हुई।
लंबाई देखो। हाँ मैदान में चले तब देखो। तुम पहले से निकल आए दौड़ रेस देखो बॉडी साहब यो देखो जनरल जनरल ऐसे देखो यो सब ऐसे रखते हैं। हाँ देखे चार बांस खा गई हो तुम। हाँ चलो हाँ, निकलो वैसे अस्सी मनाई लिया जी अस्सी जनरल वाले लापता दो दोस्तों को पुलिस ने किया घर वालों के हवाले हुए तो तीन गैंग रे सरे रोज वह लिख लिख भेजत है रे यह का है। उत्तर प्रदेश में 60,000 यूपीपी भर्ती अरे यार तैयारी करो चला इक्का धरो। अरे यार चलो ये बहुत ऊंचे बांध रहा है फिर ना लेते अरे सही लगा चले ए पढ़ो यार। अरे बढ़े का यार ऊपर चढ़े आ रही है उस चालू तो हो पहले अभी भर्ती हॉस्पिटल में करवा देंगे आए हो पुलिस में भर्ती लेने जी सर साथ खड़े ठीक है सर। अरे सर पीछे से धक्का लगाते हैं ये लोग जुनूने काट रहे हैं ठीक सर सर अरे सर पीछे से धक्का लगाते हैं सभी लोग चुप लगी है चुप चुप अरे ढक्कन लगा भर्ती देखने आए अस्पताल में आए अबे साले तू बहुत सर जी सर जी सीधा कर दूंगा शर्मा है भैया जी मेले में आए भैया जी शर्मा लगा तेरे ने भैया जी राम मार नीम का डंडा शर्मा है भैया जी आजमगढ़ बलिया अयोध्या जहाँ भी जाएंगे शर्मा का प्रचार है भैया जी अब राम मार नीम का डंडा तेल लगाइए भैया जी एकदम शांत हॉस्पिटल में होगी एक एक को बुलाऊंगा वही आए जिसको बुलाऊंगा वही आएगा सर थोड़ा रुकती नहीं है अबे तू क्या खा के है बे का यार ये सर सुरमा वाला आएगा पुलिस की नौकरी ले ही है चुप फिर बोला ना ऐसा लग रहा है मूली का पराठा खा के आया है चुप अरे अबे नौकरी कैसे करेगा अगर तेरा सिलेक्शन हो जाएगा बे सर थोड़ा नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे साथ खड़ा हट साथ सर एक नंबर लगी है ए चुप कर डोले भाई तन तमाखू लाता ने के जर्दा उर्दा ले ओ यार हम अरे तनी चुप पिन रखा हो साहब खड़े हैं ए चल आजा सीधा खड़ा एक मिनट पर सीधा कर चल फिट जा खड़ा जा लाइन में लग वहां खड़ा जा चल नेक्स्ट ये तो सर आराम से अबे ये बाल कहाँ जा नाचने जा रहा है क्या भर्ती होने है बाल देखो एक एक हाथ के बाल क्या है बाल कटवा लेना बेटा नहीं तो तुरंत बाहर करूंगा चल चल जा आजा वहां ए चल नेक्स्ट आजा अबे चल यस सर चलो यस सर पैर पे मारूंगा यस सर सीधा खड़ा अबे घोंचू के तन में नहीं है दम और हाइट में है तू कम फिर भी आया भर्ती होने चल वापस निकल वापस निकल चल थोड़े दिन दूध पी के लंबाई बढ़ा जगह नहीं तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा इसको नेक्स्ट फिट हो जी सर अबे तू इतना बढ़ गया इतना बढ़ने को किसने कहा था अरे सर रस्सी के ऊपर निकल गया खानदान ही लंबा है हमारा अच्छा क्या खाते हो यार तुम लोग अबे सर वही खाते हैं जो आम जनता खाती है अरे यार थोड़ी सी हाइट उस पीछे वाले को दे देते उसका भी सिलेक्शन हो जाता तुम इतनी फालतू क्यों लिए घूम रहे हो यार यसी कैटेगरी से है सर कैटेगरी से क्या होता है तुम लोग जाति धर्म पहले बैठे हो ए ठीक हो जी सर रेडी हो जी वर्दी पहने हुए जी सर रोगे तो नहीं नहीं सर डरोगे तो नहीं नो सर लड़ जाओगे यस सर बम गिरा सकते हो जी सर बम में दम है तुम्हारे जी चल आगे बढ़ चल जा पकड़ हो जाएगा यस देखूंगा कितने बड़े बम है तेरे नेक्स्ट अरे यार तो अरे सर ऊंचा बहुत है साहब अरे अरे जब तुमको दम नहीं है एक अरे सर हम चुप
कदम नहीं है, एक पैर कब्र में एक पैर यहाँ, फिर भी आ गए भर्ती होने, क्या जरूरत थी यार तुमको? अरे साहब बप्पा कहीं ना है, भर्ती देखा जाए, दो चार साल जीवन के बचे हैं, घर पे बैठ के काट लेते। अरे हम हो कहन वर्दी पहन ली, बहुत शौक रहा है पुलिस यार। खाली एक वर्दी दर्जी को परेशान करोगे, एक वर्दी सिलवानी पड़ेगी, वेतन देना पड़ेगा। अरे अपने बाबू जी दही देरी हवलदार बाल देखो, वाह क्या रेशम जैसे बाल, इतने सुंदर तेरे बाल, वैष्मोल ने किया कमाल, है ना सर? जी वैष्मोल लगाते हो? जी नहीं, नहीं लगाते, बेसन। अभी बेसन से बाल कौन बढ़ाता हवलदार? कोई बेसन से बाल बढ़ाता है? नहीं जी साहब, बेसन और मट्ठा लगाते हैं। हम तो नहीं कभी लगाए। सर आप भी लगाइए, ट्राई करिए। मट्ठा किस चीज का? मट्ठा भैंस का। भैंस का? जी भैंस मट्ठा। थोड़ा नहीं सर, वो चींटी का दूध लाते हैं पिताजी, थोड़ा ले आते हैं मट्ठा बंधवा के। तो सर हमें सिलेक्शन कर लीजिए सर, मट्ठा आपको खिलाए। यार वर्दी में जानते हो पेट का सवाल होता है, पेट आगे वर्दी पीछे। अरे साहब हम दही लाके खिलाएंगे। भाई जी कितने हैं तुम्हारे? पांच। पांच है? ऐसा करो छूट दे दूंगा जी, एक कंटर पांच किलो वाला। नहीं सर हम पांच पांच किलो साहब के लिए लगे, पांच दो जी। वो हवलदार उसके लिए तीन ही काफी है, मेरे लिए पांच। मेरा पेट बड़ा है, पेट बड़ा है यार, पेट का सवाल है, उसके बाद पेट नहीं है यार। जी सर हजम नहीं कर पाएगा। जी सर हाँ ठीक है। तो सर हो गया हमारा? अभी थोड़ी, अभी तुम्हारी हाइट फाइट हो गई है, चलो दम देखते हैं तुम्हारा। हाँ 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 चलो 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 ठीक, हो जाएगा, हो सकता है भगवान ने कृपा की तुम्हारा हो जाएगा। नेक्स्ट अबे माटी के पुतले को भर्ती होना यार, डिगडिगा रहा है। आई गई लंबाई, ओए 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 पप्पा कमाई, ओए नौकरी पांच पांच है जब साइलेंट हो जा, कितनी देर से कह रहा हूँ, झोंक के जा रहा है, झोंक के जा रहा है, मुझे क्या कबूतर समझ रखा है? नहीं सर नहीं, चुप। भर्ती होने है गाना गाने है? नहीं भर्ती होने तो आए हैं साहब। गाना क्यों गा रहा है? गाना नहीं गा रहे। अबे सुन बप्पा खो दी मर गया धरती, हमारी हुई गई पुलिस भर्ती, ऑर्डर कर दे। चुप सिधगड़ा। भर्ती होने? अबे कितनी हाइट है बे ये, ये ये तो उससे भी बड़ा है सर। हमने खाओ लंबो केला, बनी के गोरखनाथ के चेला, लंबाई बड़ी खुला दूंगा तेरे कंबो बोला। चल अरे ठीक है। सीना? अबे सीना कहाँ गया बे? अंदर घुस गया। चल इसका सीना तो है नहीं। सीना नहीं है यार तेरा, लंबाई तो काफी बढ़ा ली तूने, यहाँ की यहाँ का हाइट फाइट यहाँ तुमने लगा ली है। सर क्या करें, जितना बढ़ रहा है उतना बढ़ रहा है यार, मुश्किल पड़ रहा है दोस्त। सर थोड़ा देख लेते ले ले सर। हवलदार जी सर देखो समझो क्या केस है इसका। क्या है यार? थोड़ा बहुत देख लेते बात कर लेते। अबे चुप यार साइलेंट। चल वो तो ऐसी अनोखी बातें, सुंदर सुंदर सी बातें खुले में थोड़ी करेगा। ओ मेरे को कान में बता क्या प्रॉब्लम है, इतने बता। लिफाफे में करके दे दूं साहब। ओ ये बात है भाई, सरकारी नौकरी वाला लिफाफे का तो बड़ा शौकीन होता है, वो भी बंद लिफाफा। आहा सर नौकरी पक्की? अबे तू तो खुश हो रहा है, लिफाफे में वजन कितना होगा? 4-5 लाख तो होगा ही साहब। कर देना मरी वाली बात। अरे तेरा सीना सुजाऊंगा ठोक पिट के, हाइट फाइट में फिट करूंगा, नौकरी दिलाऊंगा, 4-5 लाख रुपए तो 2-3 महीने में तो कमा लेगा। रिश्वत कितनी खाएगा बता? नौकरी पाने के बाद रिश्वत खाएगा? नहीं खाएगा। नौकरी मिल जाने दो, इंटरव्यू की कोई बात नहीं, कितने मिल जाए 5 लाख ले लो, नौकरी दे दो। अबे चुप कर, सस्ती नौकरी, शांत रहे, 10 की व्यवस्था कर ले बेटे तभी हो पाएगा। 3 बीघा खेत बेच ले साहब। अरे खेत ले क्या, वापस कर दो तुझे? नहीं सर, नो सर। समझदार है तू, 10 की व्यवस्था करना बेटे, जा नौकरी पक्की। अरे पक्की छोड़ अभी, बाद में 10 की व्यवस्था कर। लग रहा बहुत टाइट है। कहीं की टाइट है? अरे यार कहीं की ना है, दरोगा टाइट है, फाडरी तरीके में हेलमेट पहनाई थी, समझ लियो। हाँ कौन है हेलमेट? कंडोम? साले कसे का अंडू है भरे हैं का? ए चलो एक एक करके आओ, सबका कट पिट चेक करते हैं, आ जाओ। अबे स्वेटर डाट के आया है?
उंगलियां हैं पूरी? हाँ सर। कटी पिटी तो नहीं है? नहीं सर। नीचे? अबे सामान थोड़ी पूछ रहे, बैग पूछ रहे। कहाँ से आया है? घर से सर। अबे घर से तो सभी आते हैं, किस गांव से आया है मतलब? येलो। अबे येलो क्या होता है? सर गांव का नाम यही है। अच्छा, बड़ा भाई खूबसूरत नाम है। चल बेटा तू लाइन में लग जा, तेरी भर्ती पहले होगी। चल नेक्स्ट, आजा आजा। जी सर। हाँ दिखा मुंह, खोल। तमाकू खाता है? जी सर कभी कभी। पैर टूटा तो नहीं कभी? नहीं, नहीं सर, सब चकाचक हम सर, कोई दिक्कत ना है। कहाँ से आया है? सर तुम बैठो, हम बताई। चल तू खड़े खड़े बता। सर तुम बैठो, हम बताई। अबे अरे सर जी, मारुति का है हो, यो गांव का नाम हमारे है। हमारे गांव यहाँ है। जैसा ने पागल कर देंगे हमको। चल बेटा तू हो जाएगा भर्ती। ठीक ठीक, यहाँ देव महादेव। ठीक ठीक, चल नेक्स्ट आजा। बड़ा भाई जटा उटा ये रुद्राक्ष वगैरह बांध रखा है? पंडित लगता है सर। टीका उक्का लगा रखा है छोरे ने? जी सर। बड़ा साना मुंडा है, दम है? जी सर। और चकाचक है सर। तू तो कह रहा था बम बम चला लूंगा। हाँ चला लेता हूँ। हाँ बोल, कहाँ से आया है तू? यहाँ देव। बाप का नाम? महादेव। अबे माँ का नाम? रहनदेव। अबे अजीब आदमी है, तेरा नाम क्या है? पहनदेव। अबे यार बड़े अजीब आदमी हो, अब तो यार ऐसा लग रहा है ये आगे कहने वाला वर्दी भी पहन दे। जी सर। चल बेटा, हाँ हमें लगता है तू पहन लेगा वर्दी। चल 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 बैठ। थैंक यू सर। किनारे बैठ। नेक्स्ट। अरे जल्दी अबे। जी देखा अपनी मत खिंचवा, कटा पिटा तो नहीं वाला देख लेना। नहीं सर, इसमें तो नहीं। कुछ कटा ना है बाबूजी? नहीं सर, मैं कटा वाला ना है सर। अबे चूती है, कटा पिटा हाथ पैर उली बस बात कर रहे हैं साहब। हम समझनो का बात। सीधा खड़ो। कहाँ से आया है? गांव का नाम बता। अरे ये बाबूजी ना पूछते तो बड़ी खबर है। एकदम काहे से लग रहा है? तेरा नाम? अरे बाबूजी। अबे क्या खा गया है? भाटा बाबूजी कर लिखा। अरे यार बाप का नाम क्या है? देखो साहब तनी डब्बा दबा देते हम, रुक के बता। अरे यार ये बहुत काहिल, ऐसा लग रहा है तो दुनिया का एक नंबर, सबसे एक नंबर का काहिल आदमी तू ही है। चलो अरे वर्दी कैसे पहनेगा?